नया IBM 7 हौसला है। क्या तूफान से भी प्यार जताया जा सकता है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने तबाही मचाई है, लोगों की जान ली है। जी हाँ, एक इंसान ने कुछ दिन पहले आए भयंकर तूफान हुदहुद से अपनी मोहब्बत का इजहार किया, वो भी फेसबुक पर। और नतीजा, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में रहने वाला ये नौजवान फेसबुक पर जनता विरोधी और गैर जिम्मेदार टिप्पणी लिखने के लिए जेल की इस वक्त हवा खा रहा है। आई लव यू हुदहुद, जिन्होंने गलत किया उन्हें प्रकृति ने झुका दिया, भगवान सब देखता है। हुदहुद से मची तबाही के बाद आंध्र प्रदेश के गुंटूर में रहने वाले चगंती राहुल रेड्डी ने अपने फेसबुक पर ये पोस्ट डालकर सबको हैरान कर दिया। राहुल रेड्डी ने उस हुदहुद तूफान के प्रति प्यार जताया जिसने कई राज्यों में भयंकर तबाही मचाई। अकेले आंध्र में कई लोगों की मौत हुई और हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। राहुल रेड्डी छात्र है और राज्य के विपक्षी दल YSR कांग्रेस से जुड़ा है। वहीं इस पोस्ट के खिलाफ शिकायत मिलने पर गुंटूर पुलिस ने राहुल रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने राहुल रेड्डी के फेसबुक पोस्ट को जनता विरोधी मानते हुए IT एक्ट 2000 और IPC की धारा 153A के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में YSR कांग्रेस पार्टी का कहना है कि फेसबुक पे कमेंट व्यक्तिगत राय है और इसे पार्टी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पुलिस ने एक शख्स को इसी तरह से हुदहुद तूफान पर गैर जिम्मेदार बयान देने को लेकर गिरफ्तारी की थी। इससे पहले सिकंदराबाद के रहने वाले उदय कुमार को पुलिस ने 18 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। उदय कुमार ने भी हुदहुद तूफान पर कुछ ऐसी ही टिप्पणी की थी। सोशल मीडिया पर हर किसी को अपनी राय रखने का हक है, लेकिन उसकी भी सीमा होनी जरूरी है। मौत के तूफान को सही बताना और उस पर राजनीति करना सही नहीं है। साक्षी खन्ना, हैदराबाद IBN 7।